द्वितीय पाठ का मैं दान का हिसाब का प्रश्नोत्तर जो पहले कराया था उसका विशेष बच गया था, उसे मैं कराने जा रहा हूँ। ये अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न है, उसका पहला है प्रश्न है, पहला है राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था। उसका उत्तर है राजा किसी भी भिखारी को दान नहीं देना चाहता था, जिसका मुख्य कारण था कि धन को महल के सजावट तथा अपने विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक खर्च करता। दूसरा प्रश्न है कि राज्यसभा में सज्जन और विद्वान क्यों नहीं जाते थे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग नहीं जाते थे क्योंकि राजा उन लोगों का उचित सत्कार नहीं करता था और न सम्मान देता था। अगला है जब राजा ने अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता नहीं की तो राज दरबार में उपस्थित लोगों ने मन में क्या सोचा। जब राजा ने अकाल पीड़ितों की सहायता नहीं की तो लोगों ने राजा को निर्दय और स्वार्थी माना। अगला है सन्यासी ने राजा से सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली थी। सन्यासी राजा से सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगा, इसका कारण था कि वह 20 रुपए से अधिक किसी को देने के लिए तैयार नहीं था, अकाल पीड़ितों की सहायता में अधिक धन की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है राजा को सन्यासी की आग गिरगिराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सन्यासी ने अपने दान का हिसाब 10 लाख से अधिक बता दिया था, इसके लिए राजा गिरगिरा रहा था कि सारा राजकोष खाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा को अगला व्याकरण का प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण करना है और उसका वाक्य बनाना है। प्रकोप, व्यक्ति, सुगंधित, सन्यासी, राजकोष। प्रकोप का है वाक्य बनाना है, देखिए सूखे के कारण अकाल का प्रकोप बढ़ गया। अगला है व्यक्ति, यह उस व्यक्ति की निजी समस्या है। अगला प्रश्न है सुगंधित, कमरा पूर्णतः सुगंधित है। सन्यासी काफी तेजस्वी था। राजकोष, राजा का राजकोष खाली हो चुका था। अगला है पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, पूर्व माने एक दिशा, पूर्व माने पहले। उसी प्रकार से नीचे दिया हुआ इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। जल है, जल का पहला वाक्य है जल बिना जीवन नहीं, और दूसरा वाक्य है उसे देखकर वह जल उठा। अगला है मन, उसका मन शांत है, आराम ने 5 मन चावल दान दिया। तीसरा है मगर जल में तैरता है। अगला है जल में मैं पटना जाता मगर सवारी नहीं रहने के कारण न जा सका। बस हो गया, इसे प्यार में कंप्लीट करना है और याद कर लाना है।